दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे एड्रेस चेंज कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने ऑलरेडी एड्रेस डाला हुआ है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अपना पार्सल जो है कहीं और पहुंचाए, किसी दोस्त के यहाँ या फिर कहीं और आपने शिफ्ट हो गया है, तो आप वहाँ का एड्रेस डालना चाहते हैं। तो फिर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, मैं आपको एड्रेस चेंज करके दिखाऊँगा और एक नया न्यू एड्रेस डाल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सामान है, और इसे ऑर्डर करने जाता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑर्डर एड्रेस का ऑप्शन एक शो करेगा। तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइज सिलेक्ट लेता हूँ एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है शो करेगा एड्रेस का ऑप्शन। एड्रेस के ऑप्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अमन कुमार से मेरा एक एड्रेस डाला हुआ है। तो मैं एक नया एड्रेस डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन एक दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शो करेगा वो एड्रेस जितना भी आप यहाँ पे डाले होंगे। तो मेरा जो है 3 एड्रेस डाला हुआ है पहले से, और आपके लिए मैं एक और एड्रेस डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडेड ए न्यू एड्रेस का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नया न्यू चार्ट खुल के आएगा, और उसमें आपको एड्रेस कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें एडिट के ऑप्शन में जाके, क्योंकि यहाँ पे डाला हुआ है, आपको जो है दिक्कत नहीं होगा समझाने में मुझे। इसी तरीके से आपका जो है एड्रेस जो है शो करेगा, यहाँ पे जो है चार्ट शो करेगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्या डालना है वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको फुल नेम दिखेगा, तो आपको तो फुल नेम डालने आता होगा, आपको अपना नाम डालना है फुल नेम पूरा कुमार लगा के। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शो करेगा फ़ोन नंबर का ऑप्शन। फ़ोन नंबर के ऑप्शन में आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जो आपका एक्टिव होगा, ताकि डिलीवरी बॉय कॉल करे तो कोई दिक्कत ना हो, आपका नंबर चालू होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड का ऑप्शन दिखेगा। पिन कोड के ऑप्शन में आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है, अगर याद नहीं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पिन कोड डालेंगे तो आपका स्टेट और सिटी जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि सिटी का ही पिन कोड यहाँ ये जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा हाउस नंबर एंड बिल्डिंग नेम, इसको आपको ध्यान से देखना है। हाउस नंबर आपको याद है तो डाल सकते हैं, नहीं याद है तो आप 00 डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग नेम में आपको डालना है आपको अपना बिल्डिंग नेम। अगर आपको बिल्डिंग नेम फेमस नहीं होगा, आपके बिल्डिंग का नाम फेमस नहीं होगा, तो आपको अपने एरिया का कोई फेमस चीज़ें डाल देना है, आपके गाँव का जो फेमस घर होगा मंदिर होगा वो आपको डाल देना है। एंड उसके बाद जस्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे रोड नेम एरिया कॉलोनी का ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो रोड आपके एरिया से कनेक्ट होता है कॉलोनी से, वो रोड का आपको नाम डाल देना है। तो मेरा तुर्की रोड जो है वो फेमस है, और वही रोड मेरा गांव तक आता है, तो उसको आपको रोड को डाल देना है तुर्की। एंड उसके बाद दोस्तों आपको अपने गाँव का रोड का नाम डालना है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपको एरिया एंड कॉलोनी के ऑप्शन में आपको विलेज का नाम डालना है, आपको अपने गांव का नाम डालना है। आप शहर से रहते हो तो आपको एरिया कॉलोनी का नाम डालना है अपने छोटे से कॉलोनी का। एंड उसके बाद दोस्तों जस्ट आप नीचे आते हैं तो आपको एडेड नियर बाय फेमस का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको सबसे फेमस चीज़ें डालना है अपने एरिया का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉप है, मॉल है, लैंडमार्क है, तो लैंडमार्क में आपको डाल देना है, ताकि यहाँ पर जो है वही चीज़ें डालना है आपको फेमस चीज़ें, जैसे कि मंदिर मस्जिद हो गया, आपको फेमस मॉल हो गया, शॉप हो गया, दुकान हो गया, उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल हो गया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो इससे क्या होता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है उसको आने में कोई परेशानी नहीं होता है, फेमस नाम से वो चला आता है। तो मैं यहाँ पे हनुमान मंदिर डाल दिया हूँ, जो कि मेरे गाँव का फेमस मंदिर है। उसके बाद दोस्तों आप सेव एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है एड्रेस में नया न्यू एड्रेस सेव हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एड्रेस को सिलेक्ट करके और यहाँ से जो है पेमेंट के ऑप्शन में जाके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एड्रेस सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे तो पेमेंट के ऑप्शन में आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करते ही उस एड्रेस पे ये डिलीवरी एड्रेस ये जो है पार्सल चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है एड्रेस चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।